तो मोल कॉन्सेप्ट तुम बता दिए रिकल कि मोल कॉन्सेप्ट मतलब वन मोल इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स होते हैं, वन मोल इक्वल टू टोटल यहां पे एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल के बराबर होते हैं, है ना। और एक और टॉपिक डिस्कस किए थे मोल का मतलब क्या होता है, उसका मतलब उसकी किसी भी एटम का या कंपाउंड का या मतलब मॉलिक्यूल्स का उस मॉलिक्यूल्स का वेट निकालो, दैट इज वन मोल। ठीक है, हमेशा एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.0×10^20। किसी भी एटम की बात करें तो उस एटम का खुद का एटॉमिक वेट इज वन मोल। कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड का उसका वेट क्या होगा, वन मोल। मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट निकालो, दैट इज वन मोल। इसको मोलर मास ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, छोटे वो तीन फॉर्मूला यहाँ पे है, तीन हमारे नाइन्थ अकॉर्डिंग तीन ही फॉर्मूला है। और तीन चीज देखना हम लोग को, बिकॉज वॉल्यूम के टर्म में यहाँ पे एक्सप्रेशन तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पहला तुम्हारा क्या मोल का मतलब लिखो, फर्स्ट फॉर्मूला। सो मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास। ओके, नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला हमारा कि मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर which is equal to 6.022×10^23। And the last one is given weight upon the weight upon the given मतलब क्वेश्चन से टॉरी डिपेंड करता है कि वेट गिवन है कि नहीं गिवन। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ गिवन निकले हैं, या फिर इसको पार्ट नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर दे दो क्वेश्चन अकॉर्डिंग, या वेट अपॉन एटॉमिक वेट, तुम्हारी मर्जी। क्वेश्चन वेट गिवन है तो हम इसको गिवन वेट बोलते हैं। जब आप मुझे फोन मारती हो नाउ, सो ये हमारा गिवन वेट अपॉन मोलर मास और एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, तीनों में से कोई एक रहेगा। ऐसा नहीं यहाँ और भी लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई एक है। इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोल के टोटल तीन फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहला फॉर्मूला क्या डील कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला कहाँ बताएगा, कोई क्वेश्चन तुम्हारा वेट के टर्म में है ना मोल निकालने बोला जाए तो फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करना है। अगर मोल निकालने बोल रहा है और पार्टिकल के टर्म में गिवन है तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है। और थर्ड फॉर्मूला तुम्हें मोल मोल कहीं गिवन नहीं है तो पार्टिकल निकालने बोला गया तो वेट निकालने बोला, तो कैसे। यहाँ पे किसी भी एटम का एटॉमिक वेट हम लोगों को पता होता है या उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होता है हम लोगों को, ये पता ही है ना, ये भी तो पता है ये कितना है, मतलब ये तो पता है ही हम लोगों को, ये पता चले जाएगा। क्या बचा,
या तो वेट नहीं पता होगा या तो पार्टिकल पता नहीं होगा। तो दो अननोन में से वो एक अननोन तुम्हारे पास दे देगा, एक निकालने बोलेगा, या पार्टिकल दे देगा, वेट निकालने बोलेगा, वेट दे देगा, पार्टिकल निकालने बोलेगा। आई बात समझ में? डाउट किसी को? नाउ फर्स्ट फॉर्मूला मोल के लिए रहेगा, थर्ड फॉर्मूला क्या है? मोल नहीं पार्टिकल या वेट निकालने बोलेगा। समझ के बात को? कोई दिक्कत? तो फर्स्ट के एग्जाम्पल लिखो, कॉपी हो गया तो कई बार फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मूला के एग्जाम्पल लिखो। फाइंड द मोल, फाइंड द मोल of N2 atoms, find the mole of N2 atoms if it is 112 gram, if it is 112 gram. Second question, you know? Second question, you know? if the mole of O2 atom is 2, if the mole of O2 atom is 2, then find the weight of O2 atom. Third question likho, then find the weight of O2 atom. Third question likho, if helium atom contains, if helium atom contains 18.066 into 10 to the power 23 particles, then find the number of moles for helium atom. Then find the number of moles for helium atom. Next question. Next question. If the carbon contains three mole, ऐसे लिखो, three mole of carbon. Sorry, पूरा कट करना फिर से लिखो. Find the number of particles for three moles of carbon. Next question. Find the weight of an atom, nitrogen atom. नाइट्रोजन आइटम की बात करें, नाइट्रोजन गैस की बात नहीं कर रहे हैं। गैस जब भी बोलेगा तो N2 कर देना, ऑक्सीजन गैस जब भी बोलेगा तो O2 कर देना, आइटम जब भी बोलेगा तो सिंगल O रखना या सिंगल N रखना। देखो मैंने बोला ऑक्सीजन आइटम, इसका मतलब सिंगल O है। अगर मैंने बोला ऑक्सीजन गैस है, इसका मतलब क्या है? O2 है, ठीक है, बस समझ गए। अगर मैंने बोला नाइट्रोजन गैस, मतलब क्या है वहां पे? N2 है। अगर मैंने बोला आइटम N है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोले? फाइंड द नाइट्रोजन, find the weight of nitrogen atom in atom if it has 24.088 into 10 to the power 23 particles. 24.088 into 10 to the power 23 particles. Into 10 to the power 23 particles. Particles likho. Next question. Find the number of particles for oxygen O2 gas. O2. Find the number of particles for O2. Find the number of particles for O2 if it is 64 gram. छह क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो 5 मिनट के अंदर, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे जिसको डाउट है देखो ध्यान दो, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान है, खासकर मोल के ऊपर क्लास 9 ध्यान दो। तो मोल के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे लिए बहुत आसान है, चुटकी बजाते ऐसे निकालो। देखो क्वेश्चन के अंदर मोल डिस्कस कर दिया था,
क्वेश्चन कहीं भी मूल लिखा हुआ या मूल निकालने बोला या मूल लिखा हुआ कहीं पे भी हमेशा इधर फर्स्ट फॉर्मूला से सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना। जो बोल रहे सुना क्या बोल रहे दोबारा सुनो, मैंने बोला क्वेश्चन के अंदर कहीं भी मूल लिखा हो ठीक है, कहीं भी मूल लिखा हुआ है तो हमेशा या तो फर्स्ट या तो सेकंड यूज करना। नाउ अगर वो मूल लिखा हुआ है या मूल निकालने बोल रहा है ठीक है, मैंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर मूल निकालने बोले या मूल कहीं लिखा हुआ उसके अंदर क्वेश्चन में टर्म मेंशन किया हुआ है मूल, बस इतना मेंशन किया, मूल मेंशन किया हुआ है। अगर वो टर्म तुम्हारा वेट के टर्म में गिवन है, क्वेश्चन तुम्हारा वेट के टर्म में गिवन है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करो, हो जाएगा। नाउ अगर वही तुम्हारा मूल टर्म लिखा हुआ है मूल निकालने बोल रहा हो, अगर तुम्हारा पार्टिकल टर्म वहां लिखा हो पार्टिकल के टर्म में मेंशन किया तो वहां सेकंड फॉर्म अप्लाई करो। क्वेश्चन में कहीं भी मूल नहीं लिखा होगा कहीं भी नहीं, हमेशा थर्ड फॉर्म अप्लाई करो। मुझे पता है N2 आइटम का निकालना पड़ेगा पहले कितना उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28, अब देखो 28 से क्या कर ले डिवाइड कर ले कितने बार हो जाएगा, चार बार हो गया, तो मोल कितना आ गया, सो मोल इज इक्वल टू 4 आ गया पहले का आंसर। समझे बात को, बात समझे? मोल की मेंशन किया था, वेट के टर्म में मेंशन किया था, कौन सा फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला। नाउ सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन पार्टिकल कितना गिवन किया है 18.0663 अगर कितना 6.022 into 10 power 23 कितना में कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो मोल कितना आ गया 3। हां फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर 3 मोल्स ऑफ कार्बन। देखो मोल भी यहां क्वेश्चन मोल दिख रहा है, अब पार्टिकल फिर से कौन सा फार्मूला, सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे, तो पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, मोल कितना हमने क्वेश्चन किया 3, पार्टिकल निकालना है हम लोगों को, एवोगाड्रो कितना होता है 6.022 10 power 23, x कितना आ गया 18.0663 into 10 to the power 23 नंबर वेट कितना क्या निकालने बोला है, वेट निकालने बोला है, yes, sir. वेट एक्स मान लेते हैं, कौन सा आइटम है N2 की N एक्स अपॉन 14 इज इक्वल टू पार्टिकल कितना की बेन है 24.088 into 10 to the power 23 कितना 4 टाइम्स में 14 into 4 कितना हो गया 56 ग्राम पर आई। Next, sixth question. Find the number of particles of O2 if it is 64 grams. इसका मतलब यहाँ पे मोल मेंशन नहीं किया, फिर से थर्ड फॉर्मूला। Now, फिर से वही, weight upon molecular weight
इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो कितना वेट कितना गिवन है 64 O2 का कितना होता है 32 इज इक्वल टू x अपॉन 6.022 * 10 टू पावर 23 ये 2 टाइम्स गया उससे मल्टीप्लाई किए कितना हो गया x इक्वल टू 12.044 * 10 टू पावर 23 ये हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस हो गया yes, ये 6 टाइम तुम्हारा मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए यही 6 टाइम एग्जाम में आएंगे इससे अभी 8 टाइम का क्वेश्चन मैंने करवा दिया ठीक है इस 6 टाइप से अलग कभी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है ध्यान देना और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा सब जो तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है और इसके अलावा कभी आएगा भी नहीं गारंटी मेरे यहां पर 9th क्लास के खास कर मैंने फर्स्ट हम लोग दो टाइप क्वेश्चन आते मेरे करवा दिए राइट का मोड निकालना या मोड गिवन रहेगा वेट निकालना सेकंड टाइप क्या था हमारा पार्टिकल निकालना या मोड निकालना और थर्ड क्या था या तो वेट या तो पार्टिकल बिना मोड के का हो गया फर्स्ट सेकंड मोड गिवन होना चाहिए मोड का टर्म होना चाहिए क्वेश्चन में बस इतना ध्यान रखना अब क्या करेंगे एनसीईआरटी का जो एग्जांपल और क्वेश्चन है उसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बिना यूज किए बिना पेन यूज किए देखना ध्यान से सुनो बस ध्यान देना मैंने बोला था एक मोल मतलब उसका खुद का एटॉमिक वेट एंड उसके अंदर जितने पार्टिकल कितने एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल ठीक है सब पेन और नोटबुक बंद करो डायरेक्टली आंसर करना एक ही क्वेश्चन का एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल होता है देखो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहां पे बुक सारे बंद कर लो बच्चे लोग बुक से बंद करो बस क्वेश्चन करेंगे ध्यान से मेरी बातों को बोलने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इसका मतलब मोल मेंशन किया है या तो फर्स्ट होने दो सेकंड होने दो करेक्ट नाउ और 52 ग्राम ऑफ हीलियम पहले देखो हीलियम कितने ग्राम का होता है खुद का 4 ग्राम तो 52 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा क्या कर देंगे दोनों को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 52 बाय 4 कितना होता है 13 मोल हो गया वेट गिवन है छोटू वेट कितना गिवन है 52 उसका होता कितना है खुद का 4 ग्राम मोल कैसे निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 52 बाय 4 कितना हो गया 13 मोल कितना आ गया 13 ये बात समझ गए खुद देख लो ना 4 ग्राम एक मोल है तो खुद को कितनी बार ऐड करेगा 52 पहुंचने के लिए 13 बार ऐड करेगा 13 4s are 52 नेक्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of 12.044 into 10 to power 23 particles है। एक मोल में कितने particles होते हैं? 12.044 कितने हो जाएंगे? कितना आंसर हो गया? 2 मोल। Next question। Calculate the mass of the following। Mass निकालने बोल रहा है। Question सुना क्या बोल रहा है? Mass निकालने बोल रहा है। 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। जो मोल मेंशन किया है, मास भी है कौन सा फॉर्मूला? First ही। छोड़ो उसको, फॉर्मूला छोड़ो फिलहाल। डायरेक्ट ध्यान दो। मैंने बोला 0.5 मोल ऑफ N2 गैस एक मोल N2 गैस कितना मास कंटेन करेगा 28 तो 0.5 हाफ मोल हो गया तो वेट भी कितना हो जाएगा कितना 14 ग्राम आंसर हो गया डायरेक्टली नेक्स्ट 0.5 मोल ऑफ H एटम एक N एटम कितना मोल का कितना वेट कंटेन करेगा 14 ग्राम 0.5 मोल कितना हो जाएगा हो गया आंसर नेक्स्ट 3.0 कैलकुलेट मास If 3.011 into 10 to power 23 number of n atoms, एक n atoms में कितने particle होते हैं? 6.02 particle कितना है? 3. Point, कितना half हो गया? अगर weight half, अगर weight particle half तो weight भी कितना? 7 ग्राम कोई दिक्कत किसी को? डायरेक्टली निकाल पा रहे हो ना? मतलब pen की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? Next question, calculate mass अगर 6.022 into 10 to power 23 particles के पास है, n2 atoms के पास है. एक N2 एटम्स पर एक मोल कितना वेट होता है उसका 28 होता है और पार्टिकल भी कितना है 6.02 मतलब एक मोल के बराबर है तो कितना ग्राम हो गया 28 ग्राम ही हो गया ये बात समझे कैसे एक मोल मतलब उतने पार्टिकल उतना ग्राम एक मोल में 6.022 * 10 to power 23 पार्टिकल्स होते हैं N2 एटम्स के लिए 28 ग्राम ही होता है अब वहां पे इतना ही पार्टिकल डिस्कस कर रहा है मतलब एक मोल के बराबर है एक मोल कितने ग्राम होगा N2 एटम 28 ग्राम होगा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने बोल रहा है इसे तो फॉलोइंग क्वेश्चन पहला तो ध्यान दो पार्टिकल निकालने बोल रहा है मुझे पता है एक मोल में 6.022 पार्टिकल होते हैं इनटू 10 पावर 23 नाउ 46 ग्राम ऑफ एनी एटम कितना पार्टिकल होगा पहले देखो एनए का एक एटम कितना ग्राम होता है 23 ग्राम का 23 ग्राम में कितने पार्टिकल एक एवोगाड्रो नंबर तो 46 ग्राम कितना एवोगाड्रो नंबर 2 2 * 6.022 = 10 पावर 0.04 वेट डबल हुआ कि नहीं हुआ 23 में एक
एक मोल होता है, 96 में कितना मोल हो गया? दो मोल, तो पार्टिकल क्या हुआ? डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 ग्राम ऑफ O2 में कितना मोल? तो O2 में कितना मोल, कितना वेट होगा उसका, पहले देखो 32, कितना से रिड्यूस किया? 4 से रिड्यूस किया, नहीं किया तो 4 से डिवाइड किया, तो पार्टिकल में कितना डिवाइड होगा? 4 से, कितना हो जाएगा? 1.5, 6 है ना, 6 का कितना, 1.5 into 10 to the power 20 हो गया आंसर, खत्म हो गया, ठीक है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया इसका एनसीईआरटी का। नेक्स्ट, 1 mole of carbon contains 12 grams. Dhyan do. 1 mole of carbon contains 12 grams. What is the mass in 1 atom of carbon? 1 mole of carbon contains 12 grams. Then what is the mass of 1 atom of carbon? 1 by 12 into 6.022 into 10 to the power 20. Kitna ho jayega? 1.67 into 10 to the power minus 27 grams. That is 1 atomic mass unit. ठीक है, समझ के बात को, अरे एक एटम निकालने बोल रहा है, मुझे पता है 12 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक पार्ट कितना 1/12, तो मुझे पता है पूरा पार्टिकल कितना उसके अंदर 6.022, एक पार्ट में कितने पार्टिकल होंगे, मैंने 12 पार्ट डिवाइड किया ऐसे मान लो, ठीक है, ध्यान दो आप क्या बोल रहे हैं। कार्बन का मुझे पता है कि पूरे कार्बन में 12 ग्राम का होता है, मैंने 12 पार्ट डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा पार्टिकल कितना है पूरा मिला के यहाँ पे 6.022 × 10⁻³, तुमसे पूछ रहा है कि पूरे 12 पार्ट में इतने का इतने पार्टिकल्स है, तो एक पार्ट में कितने पार्टिकल, ठीक है, एक पार्ट में कितना होगा, अगर पूरे में मिलाकर 12 में इतना है, तो एक में कितना 1/12, यस सर, निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा कितना पार्टिकल उसके अंदर, किसके लिए 6.022 × 10⁻², कितना आएगा 1.67 × 10⁻²-27 ग्राम, ठीक है, तो सो दिस इज द वन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटम का मास का यूनिट का पार्ट का निकालना, यूनिट पार्ट में कितना एटम का मास कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, हो गया, आई बात समझ। नेक्स्ट, व्हिच इज मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम आयरन में किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स, ये निकालना है, इसका मतलब ये हुआ पहले चेक करो कि एक सोडियम एटम तुम्हारा है कितने ग्राम का है, 23 ग्राम का है, इसका मतलब कितना मोल हुआ, 100.23 मोल, कितना अप्रॉक्स तुम्हारा 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4 मोल से ज्यादा समथिंग हो गया। नाउ एफी के लिए चेक करते हैं, एफी कितना है 56 μ, मतलब कितना है इसका, 2 मोल भी अप्रॉक्स नहीं हो पाया, और 100 ग्राम रोड निकालना है ना, इसका 23 मतलब 4 मोल के अप्रॉक्स, इसका 56 ग्राम कितना अप्रॉक्स 2 मोल, तो मोल किसका कम हो गया, आयरन का, तो पार्टिकल भी कहां कम हो जाएगा, आयरन का, ज्यादा किसके लिए होगा, सोडियम, ये बात समझ गए, डाउट है किसी को। नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.96 ऑफ बोरोन एंड 0.144 ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट, तो तुमको परसेंटेज कम मास बाय वेट निकालना सिखाया है, टोटल जिसका दे रखा वो अपॉन टोटल मास इनटू 100 कर लो के आ गया आंसर, हर किसी का आपने देखो क्या करना सबके लिए, सबका ऐड कर देना, ठीक है, सबका ऐड कर देना टोटल वेट, ठीक है, जिसका निकालना मान लो बोरोन ऑक्सीजन का निकालना, 0.24 अपॉन टोटल मास इनटू 100 आ गया परसेंटेज, अगर मान लो तुम्हारा 4 मार्क्स है, इसका 5 मार्क्स है, 10 मार्क्स है, 15 मार्क्स है, मतलब तुम्हारा कितना परसेंट चारों में से, क्या करो 4 अपॉन टोटल करोगे इनटू 100 करोगे, यहां भी सेम सेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन बी फॉर्म व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्नड इन द 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हिच लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन विल गवर्न योर आंसर, ऑब्वियसली बात है मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास डिस्कस कर रहे हैं आप, क्योंकि मास पहले जितना था उतना ही मास क्या होना चाहिए बाद में होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमारा क्या है, जो मास रिएक्टेंट का रहेगा वही मास प्रोडक्ट का रहेगा, मास के अंदर भी क्रिएटेड नॉर भी, जितना मास रिएक्टेंट वही मास प्रोडक्ट होना चाहिए, बस यहाँ पे क्या करना मास को फॉलो करो, मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करो,
समझ गए सर? कौन सा प्रोपोर्शन कितना होगा 3 टू 8 किसका? इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, व्हिच लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन गवर्न योर आंसर? मास ने बोला ना जो केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीशियम क्लोराइड क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा क्या है केमिकल फॉर्मूला हम लोग लिखना है कल मैंने बताया था जो भी लिखा हो पहले सिंबल लिखो इसका ठीक है क्वेश्चन का पहले हमेशा सिंबल लिखा करो सिंबल लिखने के बाद नीचे वैलेंसी लिखा करो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करो दैट इज द केमिकल फार्मूला क्वेश्चन पहला हमारा है मैग्नीशियम क्लोराइड पहले सिंबल लिखा करो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है क्लोराइड मतलब Ca वैलेंसी कितना 2 वैलेंसी कितना 1 क्रॉस मल्टीप्लाई बिकम्स इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट कॉपर नाइट्रेट तो कॉपर नाइट्रेट थर्ड हमारा लिखना है कॉपर नाइट्रेट तो पहले कॉपर का सिंबल लिखो फिर नाइट्रेट क्या होता है NO3 होता है क्या होता है 2 एंड 1 2 एंड 2 नाइट्रेट देखो जैसे NO3 कितना होता है चेक करो एक बार नाइट्रेट का NO3 का माइनस प्लस फोर बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और गेन के बता रहा है उससे मतलब नहीं उनको बस बैलेंस ही लेना है माइनस प्लस को छोड़ दो कॉपर कितना है 2 नाइट्रेट 1 CO2 NO3 सर कॉपर तो उस पर डिपेंड करेगा कौन सा वाला ले रहे हैं अल्युमिनियम क्लोराइड नेक्स्ट हमारा अल्युमिनियम क्लोराइड पहले सिंबल लिखो अल्युमिनियम का एल क्लोरीन का सी एल वैलेंसी लिखो नीचे 3 एंड 1 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है एल सी एल नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं पहले कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे लिख लो उसके बाद दोनों को सिंबल लिखो कैल्शियम Ca कार्बोनेट हमारा CO3 वैलेंस से नीचे 2 उसका भी कितना 2 स्टैंडर्ड फॉर्म कितना 1:1 क्या होगा CaCO3 ठीक है हां सर उसके बाद चलो फिफ्थ क्वेश्चन फिर कुछ हमारा क्विक लाइम पहला कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम इसको आपने कर रखा है कैल्शियम ऑक्साइड उसको मत मिटाना कौन सा आपने कर रखा है कौन सा आपने कैल्शियम ऑक्साइड कर रखा है ऊपर फोर्थ क्वेश्चन था सो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट सर आप बड़ी इनकार नहीं है क्विक लाइम को बोलते हैं वो क्या कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं CaO क्या बोलते हैं CaO मतलब क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड ओके सेकंड पार्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr HBr कौन बोला फार्मूला आ गया सी सर सर बहुत बढ़िया सर मैंने भी बोला बढ़िया तो नया चार बोला थर्ड पार्ट बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर सोडियम NaCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बोलते हैं इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लास्ट वन पोटेशियम सल्फेट K2SO4 नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास सर NaCO3 ब्रैकेट में 2 आ रहा है करने के बाद केमिकल फॉर्मूला ना ठीक है ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग पहला है तुम्हारा इथाइन
इथाइन मतलब क्या होता है C2H2। अच्छा सबको पता है इथाइन कैसे लिखते हैं, इथाइन C2H2 क्यों होता है सबको पता है कि नहीं पता है, बता दे सबको इथाइन का मतलब C2H2 क्यों होता है। अरे किसी को डाउट है क्या इसमें? यस कर दे, डाउट किसको? इरेज करने में डाउट है क्या? कार्बन का वैलेंसी कितना? चार। कार्बन कितना वैलेंसी? चार। छोटे छोटे बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहे हैं, अगर समझ जाओगे तो समझो कि तुम एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चे बन जाओगे। ठीक है, ध्यान सुना कि सेंटेंस क्या बोलने जा रहा है। कार्बन का वैलेंसी चार होता है, ठीक है, और वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा गेन होगा, तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन होगा, कितना होगा? दो इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन। दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है? बॉन्ड मतलब ये पार्ट। देखो जैसे मान लो एक एटम यहाँ ये है, एक एटम ये है, ठीक है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया, इसको बोले बॉन्ड। कितना लाइन दिख रहा है यहाँ से यहाँ? देखो कैसा लाइन दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे एक बॉन्ड। कितना बॉन्ड? एक बॉन्ड। एक बॉन्ड बनने के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन किया, कितना बॉन्ड बना? एक। दिक्कत यहाँ पे ना, कार्बन कितना वैलेंसी है? चार। चार वैलेंसी मतलब क्या हुआ? चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वो चार अलग अलग इलेक्ट्रॉन को कॉम्बिनेशन कर सकता है। ठीक है, अगर मैंने बोला कार्बन तुम्हारा एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, तो इससे जो कंबाइन करेगा वो ऐसा एटम होना चाहिए जिसको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी उसके पास हो। ये बात समझ गए? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कमी होगी वही कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तुम मेरे पास आ जाओ। हाइड्रोजन क्या बोल रहा है? उसके आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन? एक। यहाँ भी कितना इलेक्ट्रॉन? एक। यहाँ भी कितना? एक इलेक्ट्रॉन। ये बोलेगा मेरे से कंबाइन हो जाओ, तो कंबाइन हुआ, इसका भी एक, इसका एक मिल गया, एक बॉन्ड बना दिया, ये भी एक बॉन्ड बना दिया, ये भी एक बॉन्ड बना दिया, ये भी एक बॉन्ड बना दिया। क्या हो गया? एक कार्बन चार हाइड्रोजन। क्या हो गया? एक कार्बन एंड चार हाइड्रोजन। क्या हो गया? CH4। क्या हो गया ये? CH4। नाउ अब थोड़ा सा इस चीज को इतना समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा है? ध्यान देना हमेशा, एक काम करना हमेशा तुम काउंटिंग करना। क्या करना? काउंटिंग, बॉन्ड काउंट करना, कितना बॉन्ड है। हमेशा कार्बन के साथ चार बॉन्ड होना चाहिए, कितना बॉन्ड होना चाहिए? चार। अगर चार है तो सही है, चार से ज्यादा है वो तो गलत है, चार से कम है तो गलत है। ये बात समझ गया? हमेशा काउंटिंग करना और चेक करना यहाँ पे कि कार्बन का चार बॉन्ड है कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? आगे बढ़े ना। काउंट करने के बाद अब देखना है यहाँ पे कार्बन को भी काउंट करना। अगर काउंट करने पे एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? मिथ। दो कार्बन है उसको बोलते हैं इथ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तीन कार्बन है उसको बोलते हैं हम लोग बोलते प्रॉप बोलते। क्या बोलते हैं? चार कार्बन उसको बोलते हैं ब्यूट बोलते। क्या बोलते हैं? पांच कार्बन उसको पेंट बोलते। क्या बोलते हैं? पेंट। छह कार्बन उसको बोलते हैं हेक्स बोलते। क्या बोलते हैं? हेक्स। सात कार्बन उसको हेप्ट बोलते। क्या बोलते हैं? हेप्ट। आठ कार्बन उसको ऑक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौ कार्बन उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दस कार्बन उसको बोलते हैं डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कार्बन उसको बोलते हैं यूनिडेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिडेक। बारह कार्बन उसको बोलते हैं डू डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम्हें इतना नहीं पढ़ना, तुम्हें वो भी नहीं पढ़ना जो बता रहे, ये भी नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड नॉलेज यहाँ पे रखते हैं कि इसका नाम जो क्वेश्चन है मेंशन किया है इथाइन। जब इथाइन मेंशन किया उसकी हम डीप में जाएंगे, पूरा समझाएंगे इथाइन क्यों लिखा गया, उसका नाम इथाइन ही क्यों है, C2H2 ही क्यों, तुमको बता देते हैं। ठीक है ना, इथाइन मतलब इथ। अब देखो कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं एल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एल्क। एल्क मतलब अब से याद रखना, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन। एल्क मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है ना, अब देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो वहां पे एन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? एन। कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड हो वहां पे इन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? इन। कार्बन कार्बन की जो ट्रिपल बॉन्ड हो वहां पे आयन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? आयन। वो दिक्कत देखो, अगर मान लो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एल प्लस आयन क्या बन गया? एल्काइन। अगर मान लो दो कार्बन है तो एल के प्लस में क्या लिखेंगे हम लोग? इथ। क्या बन जाएगा? इथाइन। वही चीज मेंशन किया वहां पे, क्या लिखा है वो? इथाइन। ये बात समझ गए? नाउ अब देखते हैं पहला पार्ट, ध्यान देना। अगर मैंने ऐसे लिखा कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, तो काउंट करो बॉन्ड यहाँ पे। मैंने बोला एक कार्बन कितना बॉन्ड होना चाहिए? चार। अब एक एक कार्बन को सिंगल सिंगल काउंट करते हैं। बताओ इस कार्बन में कितना बॉन्ड दिख रहा है तुमको फिलहाल? एक दिख रहा है। कितना बच गया? तीन बच गया। तीन बॉन्ड यहाँ पे दे दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे? जहां बॉन्ड देने जा रहा हूं वहां पे हाइड्रोजन अटैच करें। क्या अटैच करें वहां पे? हाइड्रोजन। इस कार्बन काउंट करो कितना बॉन्ड हो चुका है इसका? दो। कितना बच गया? दो बच गया। दो बॉन्ड यहाँ पे दे दिए, कोई दिक्कत? नाउ इस कार्बन काउंट करो कितना खत्म हो चुका है? एक। कितना बचा इसके पास? तीन। तीन दे दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे?
अब देखो, अब जहां जहां छूट गया वहां पे क्या है, क्या वहां पे क्या है, वहां पे अरे नहीं सुन रहे जल्दी बोलो हाइड्रोजन। नेक्स्ट काउंट करो कितना कार्बन, एक दो तीन कार्बन, कितने कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन क्या बोलते हम लोग, रॉक, क्या बोलते हम लोग, रॉक। मैंने बोला सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे उसको, एन, क्या बोलेंगे, एन। तो प्रॉप को एन से ऐड करो क्या बन जाएगा ये, प्रोपेन। दिक्कत नहीं आपको, किसी को प्रॉब्लम, क्या बन गए, प्रोपेन बन गए ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला एक कार्बन है, कितना कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन कितना वैलेंसी, कितना बॉन्ड, चार बॉन्ड दे दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को, चार बॉन्ड दिए, एक कार्बन, एक कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग, मिथ बोलते हैं। बॉन्ड कैसा है, सिंगल, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन, क्या बन जाएगा वो, मीथेन, मीथेन हो गया। मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस, बोलते हैं क्या, बोलते हैं लोग मार्स गैस, ठीक है ना। अगर तुम्हें इथेन ड्रॉ करना है, इथेन मतलब, इथ मतलब कितना कार्बन, हर जगह बॉन्ड कैसा, सिंगल, इस कार्बन का एक बॉन्ड खत्म हो, कितना बच गया, इसका भी कितना बच गया, काउंट करो यहाँ पे। अब देखो एच 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 बॉन्ड कैसा, सिंगल है कि नहीं है, दो कार्बन का नाम क्या होता है, इथ, बॉन्ड सिंगल क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये इथेन बन गया। अब थोड़ा काउंट करते हैं यहाँ पे चीजों को, देखो प्रोपेन में कितना कार्बन था, तीन कार्बन था क्या, हाइड्रोजन कितना था, आठ, देखो तीन ऊपर तीन नीचे दो साइड में, कितना हो गया आठ हाइड्रोजन, तो सी थ्री एच एट का नाम क्या हो गया, प्रोपेन। सेम वे इथेन में काउंट करो कितना हो गया, दो कार्बन और कितना है हमारा, दो ऊपर दो नीचे और दो साइड में, अच्छे हो गया। सी टू कितना हो गया, एच सी, तो दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना एक कार्बन कितना हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, सी को क्या हो गया, मीथेन। किसी को प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं है, देखा किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे ना, और गौर करना चाहिए, अगर ये तीन कार्बन यहाँ पे, खासकर सिंगल बॉन्ड के लिए तीन कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना लिखा गया, तीन को डबल कर दो, दो से कितना हो, तीन दुना छह प्लस दो कितना हो गया, तो क्या एल्केन को मैं सिर्फ, मतलब ये पार्ट एल्केन हो गया ना, ये क्या हो गया एल्केन, ये क्या है एल्कीन, और ये क्या है एल्काइन, ठीक है। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ये हो गया सिंगल, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन। दिक्कत यहाँ पे हिंदी में ऐसे ही बोलना, ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे, एल्केन एल्कीन एल्काइन मतलब क्या होता है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इस डाउट यहाँ पे ना। अब काउंट करते हैं नंबर कार्बन, तो इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, कि जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन कैसे निकालना, उसको डबल करके टू से ऐड कर देना। मतलब अगर मान लो यहाँ पे एन एन कार्बन है, तो क्या इसी को डबल करके टू से ऐड कर दे, हाइड्रोजन निकल जाएगा हम लोग का, सी एन एस टू एन प्लस टू को एल्केन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं जितना कार्बन होगा उस कार्बन के नंबर को दो से मल्टीप्लाई करो और दो ऐड कर दो, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे ना। अब देखो एल्कीन के लिए देखते हैं हम लोग, एल्कीन थोड़ा सॉल्व करते हैं आपके, अब एल्कीन के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक कार्बन तुम्हारा हाइड्रोजन से हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल तो पॉसिबल है नहीं, डबल किससे बनाएगा, हमेशा दूसरे कार्बन से ही बना पाएगा। अगर कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, दो खत्म हो गया, दो खत्म हो गया ना, कितना बचा इसके पास, इसके पास दो बचा, इसके पास कितना बचा, हाइड्रोजन देते हैं यहाँ पे। अब काउंट करो यहाँ पे, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं, ईन बोलते हैं, कितना कार्बन है, दो कार्बन, क्या बोलते हैं, इथ, इथ प्लस ईन क्या बन गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। काउंट करना कितना कार्बन है, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, चार हाइड्रोजन है क्या, तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे जस्ट डबल है ना, जितना भी कार्बन होगा जस्ट डबल करना है, तो एल्कीन को सी एन एच टू एन बोल सकते हैं, जितना भी कार्बन जस्ट डबल कर दी, एल्कीन बन गया, दिक्कत यहाँ पे ना। अब अगर तुम्हें प्रोपीन लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, प्रोपीन, तीन कार्बन में प्रोपीन, तीन कार्बन क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे। अब एक बार डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक बार एटलीस्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी हमेशा सिंगल, एटलीस्ट एक बार कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, उसको एमिन ग्रुप बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब काउंट करना है इसका, इस कार्बन कितना बॉन्ड खत्म हो गया, कितना बचा, इसका कितना खत्म हो गया, तीन खत्म हो, कितना बचा इसका, इसका कितना खत्म हुआ, कितना आएगा, ये बात समझ गया, इसको दिक्कत, काउंट करना कितना कार्बन, एक दो तीन, तीन क्या बोलते हैं, प्रॉप, बॉन्ड कैसा है, डबल, डबल क्या बोलते हैं, इन, क्या बोल, क्या ये, कोई दिक्कत किसी को, है तो बताओ, किसी को प्रॉब्लम, हाँ। अब चेक करते हैं नेक्स्ट आयन ग्रुप, चेक करते हैं, इसको रेज करते हैं, आयन ग्रुप में चेक करते हैं, तो पहले, अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि मिथिन पॉसिबल नहीं है, मिथिन नहीं पॉसिबल है, क्यों, मिथिन मतलब एक कार्बन, एक कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से हमेशा सिंगल बनाएगा, डबल पॉसिबल नहीं, जब डबल पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पे एल्कीन में मिथिन पॉसिबल नहीं है,
इन द सेम वे मिथाइल भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए एटलीस्ट कितना कार्बन चाहिए दो कार्बन चाहिए बट मिथ मतलब हमेशा एक ही कार्बन होता है एक कार्बन खुद में अपना डबल ट्रिपल नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन से कभी डबल ट्रिपल नहीं बना पाएगा बिकॉज हाइड्रोजन से हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है ठीक है ना अब देखते हैं इथ के लिए इथाइन देखते हैं ठीक है इथाइन मतलब कितना इथ मतलब कितना कार्बन दो कार्बन इथाइन मतलब आयन मतलब कैसा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे दिए कितना बचा इस कार्बन के पास एक इसके पास कितना बचा एक C2H2 यानी C2H2 काउंट करो दो कार्बन क्या बोलते हैं बॉन्ड कैसा ट्रिपल क्या बोलेंगे तो क्या होता है C2 कितना H2 दिख रहा है इसके फॉर्मूला क्या यूज किया C2H2 ये बात समझ C2H4 यूज नहीं किया क्या यूज किया C2H2 यूज किया तो ये पार्ट C2H2 को समझाएंगे मुझे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर देना ठीक है बात समझ गए सही लिख लो